आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर बोर्ड कैसे बनाया जाता है। अगर आपको भी इसकी टोटल जानकारी लेनी है तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, समझें, और उसके बाद किसी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले आपको बोर्ड पे जितने भी सामान लगाने हैं उसे रखकर आप अपने हिसाब से उसके लिए मार्किंग ले लें, और मार्किंग लेने के बाद आप उसको ग्राइंडर मशीन या आरी ब्लेड, जो भी आपका माध्यम बनता हो, उस माध्यम से आप बोर्ड को पूरा कटिंग कर लें। और कटिंग करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने कटिंग किया है, आप भी इसी तरह से काट लें। तो दोस्तों देख सकते हैं यह हमारे पास यही बोर्ड है जिसमें हमने एक 16 एम्पेयर का स्विच लगाया है, और उस 16 एम्पेयर स्विच से ये 16 एम्पेयर का एक 5 पिन सॉकेट है जो कंट्रोल होगा, और 5-6 एम्पेयर के स्विच लगे हुए हैं, और नीचे आप देख सकते हैं 5-6 एम्पेयर के 5-5 पिन लगे हुए हैं जो ये पांचों स्विच से कंट्रोल होंगे। एक स्विच सभी के लिए अलग अलग स्विच रहेगा, और उसके बाद एक मेन एमसीबी हमने यहाँ पर 25 एम्पेयर का लगाया है जो ये पूरे बोर्ड को कंट्रोल करेगा। सबसे पहले मेन लाइन इसमें इन होगी, उसके बाद ये पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और यहाँ पर हमने एक लाइन इंडिकेशन के लिए इंडिकेटर लगाया है। तो अब हम इसमें वायरिंग करना सीखेंगे। बैक साइड है, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये स्विच की ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये पांचों को आपको मिला देना है। तो अब हम कैसे मिलाएंगे वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम यहाँ पर 1 mm का वायर लिए हैं, आप यहाँ पर अपने ज़रूरत के अनुसार वायर ले सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरह से पहले मेज़र करना है, और मेज़र करने के बाद आप यहाँ से वायर कटर की हेल्प से इसे पूरा इस तरह छील लें। उसके बाद आपको इस तरह से थोड़ा राउंड करना है। राउंड करने से क्या होगा, ये वायर आपस में मिल जाएगा और इसका मजबूती बढ़ जाएगा। ये हमारा तैयार हो गया है एक रेसा। अब हमें यह स्विच के नीचे वाले पांचों पॉइंट को मिलाना है, इसमें हमारा फेज लाइन एंट्री होगा। तभी हम सभी के सभी स्क्रू को ढीला कर रहे हैं। दोस्तों इस दो तरफ के स्क्रू को आपको ढीला छोड़ना है, क्योंकि इससे हम लाइट लेके इसमें देंगे और इससे हमारा इनपुट होगा जो एमसीबी से आएगा। तो दोस्तों जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर स्विच के नीचे में फेज लाइन के लिए एक जम्फर वायर लगाया, उसी तरह से इसी जम्फर वायर से हमें ये 16 एम्पेयर वाले भी में पावर को देना है। उसके लिए देख सकते हैं हमें यहाँ पर वायर लिया, अब इसमें हमें फेज इनपुट करना है जो कि एमसीबी से आएगा, वो वाला एक वायर होगा। और उसके बाद एमसीबी से ही हमें एक वायर और लूप करना है जो इंडिकेटर में जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर को जलने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों लाइन की आवश्यकता होती है। तो हम जल्दी से स्विच से आ रहे वायर को एमसीबी और एमसीबी से एक वायर और आउटपुट करके इंडिकेटर में हम डाल देते हैं। तो दोस्तों इस बोर्ड में फेज लाइन का कनेक्शन टोटल हो चुका है, एमसीबी से आउट किया, एक इंडिकेटर में गया, सारे स्विच में गया, और अब हमारे यहाँ पर बचा है दोस्तों न्यूट्रल का वायरिंग करना। तो न्यूट्रल का वायरिंग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 पिन और इंडिकेटर में होगा, यहाँ पर नहीं, दुनिया के किसी भी बोर्ड में 5 पिन और इंडिकेटर में न्यूट्रल जाएगा, और स्विच में सिर्फ और सिर्फ फेज जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर वायर लिया है, यह 1 mm का है। और अब दोस्तों बहुत सारे नए इलेक्ट्रिशियन ये गलतियाँ करते हैं, ये न्यूट्रल फेज 5 पिन में कहीं भी दे देते हैं, लेकिन हर एक कंपनी में आपको हमेशा लिखा हुआ दिखेगा कि 5 पिन में L और N लिखा हुआ होता है कनेक्शन पॉइंट पे। यह तो दोस्तों देख सकते हैं 5 पिन में यहाँ पर L और यहाँ पर N आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो अब यहाँ पर कनेक्शन कैसे करनी होती है, यह जो L लिखा हुआ आपको दिखा दोस्तों उसमें फेज का कनेक्शन होगा, और जो N लिखा हुआ है वो न्यूट्रल का होता है। तो हमें जितना भी N है सारे N को एक कर देना है। तो
तो दोस्तों देख सकते हैं हमने सभी 5 पिन के एन को एक कर दिया है, और इंडिकेटर में कोई भी एन या एन नहीं होता, आप कहीं भी कनेक्शन कर सकते हैं न्यूट्रल फेज का। तो अभी हम यहाँ नीचे करेंगे, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं, हम इतना तार को नीचे छोड़ देंगे, क्योंकि अब हमें आ रहा है कनेक्शन जो इसमें होगा, जो बाहर से हमारा मेन लाइन आएगा न्यूट्रल और फेज का, उसके न्यूट्रल में हम इस वायर को मिलाकर यहाँ लगा देंगे, जिससे क्या होगा इंडिकेटर में न्यूट्रल चला जाएगा और ये सारे 5 पिन जो लूप किए हुए हैं सभी में न्यूट्रल चला जाएगा। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमारा जो कनेक्शन बचा है वो काफ़ी दोस्तों ईजी है। जो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट होता है ये आउटपुट का होता है, तो सभी स्विच से एक एक वायर हमें लेकर आना है और 5 पिन के एल वाले पॉइंट से हमें कनेक्ट करना है। इस स्विच से हमारा ऊपर से आउट होकर इस 5 पिन में लगेगा, और उसके बाद इससे निकलकर इसमें, उसी तरह आपको सभी में करना है, चाहे वो 16 एम्पेयर हो, 25 एम्पेयर हो, 6 एम्पेयर हो। तो अब हम आपको करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने 16 एम्पेयर से यहाँ पर स्टार्ट किया है काम करना। तो 16 एम्पेयर में हम थोड़ा यहाँ पर हेवी वायर दे रहे हैं, ये 1.5 mm का, क्योंकि 16 एम्पेयर में जो भी हमारा यहाँ पर लगेगा इक्विपमेंट वो थोड़ा हेवी होगा, तो हम यहाँ पर 1.5 mm का वायर दे रहे हैं, और बाकी सभी में हम 1 mm देंगे। आप 0.75 mm वाला वायर भी दे दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन वैसे 1 mm का देना चाहिए। तो फिलहाल अभी दोस्तों देख सकते हैं कि हमने स्विच से वायर को आउटपुट किया और ये 5 पिन के एल वाले पॉइंट पे हमने दे दिया। इसी तरह से अभी हमें सारे स्विच से एक एक वायर को उठाना है और 5 पिन के एल वाले पॉइंट पे मिला देना है। तो हमारा सारा कनेक्शन हो गया है, और देख सकते हैं अब हम उसका पीछे का कवर ले लिए हैं बोर्ड का, और उसमें एक होल करके वायर को हमने अंदर ले लिया है। हमने यहाँ पर वायर यूज़ किया है 1.5 mm का डबल कोर वायर, और उसका कनेक्शन कर रहे हैं। तो उस वायर में जो रेड वायर था उसको हमने MCB के निचले वाले हिस्से में दिया है, जहाँ से फेज इनपुट होगा। और उसके बाद ब्लैक वाले वायर को, जो एक वायर हमने वायरिंग के दौरान छोड़ा था, उस वायर से मिलाकर इंडिकेटर के एक खाली पॉइंट पर हम वहाँ पे कस देंगे, जिससे सारे फाइव पिन और इंडिकेटर को न्यूट्रल लाइन मिल जाएगी। और यहीं पर हमारा टोटल वायरिंग कंप्लीट होता है। और दोस्तों वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हम सारे पॉइंट को यहाँ पर चेक भी करेंगे। और उसके बाद अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगी तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको लाकर देते रहेंगे। तो देख सकते हैं हमने एक बोर्ड से पावर लेकर इस बोर्ड में दे दिया, इंडिकेटर भी जल रहा है, और इसके सारे 5 पिन पॉइंट पे हम लाइट चेक कर रहे हैं, सभी में लाइट हमारा जल रहा है।